मैथ्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो कि है हमारा इंडियन करेंसी या मनी पे, तो उसके लिए हमने ऐसा एक कार्डबोर्ड लिया है जो कि है 15x20 inches का। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इससे बड़ा कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, बट हमारे लिए ये सफिशिएंट था। तो अब देखिए, हमने ऐसे कटआउट्स लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैंक का कटआउट है और ये ATM मशीन का, क्योंकि बैंक इट्स अ सोर्स ऑफ मनी एंड ATM ये है जहाँ से हम मनी विथड्रॉ करते हैं, तो इसलिए हम ये मनी से जुड़े हुए हैं, तो हमने ऐसे कटआउट्स लिए हैं। तो सबसे पहले इनको हम सेंटर में लगाएंगे, कुछ इस तरह से। ये सोर्स ऑफ मनी ये आ गया यहाँ सेंटर में, क्योंकि ये मनी से इम्पोर्टेंट जुड़ा हुआ हिस्सा है, या बोल सकते हैं इंडियन करेंसी से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये हमारा एनी टाइम मनी, तो ये लग गए हमारे यहाँ। उसके बाद हमने ऐसे एक प्रिंट आउट लिया है जहाँ पे मनी से जुड़े कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन करेंसी रुपी होती है एंड 1 rupee इज इक्वल टू 100 paise, एंड जो सिंबल यूज़ होता है रुपी के लिए, एंड एग्जांपल दिया हुआ है जैसे 10 rupees कैन बी रिटन एज rupees 10, और वैल्यू दैट इज़ नंबर जो कि प्रिंट किया हुआ रहता है किसी भी कॉइन पे या नोट पे, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट या बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि हमने उसका भी एक प्रिंट आउट लिया है। आप चाहे तो आप अपनी राइटिंग में भी लिख सकते हैं अगर आपकी राइटिंग इतनी सुंदर है तो। तो इसे हम अगेन यहाँ लगा देंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मनी से या करेंसी से रिलेटेड है, उन्हें हाईलाइट करने के लिए। तो इसे भी एक डबल टेप की मदद से हम अटैच करेंगे। ये बनाने में बिल्कुल आसान है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, और बहुत बनने के बाद सुंदर भी दिखेगा ये प्रोजेक्ट। आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। ये आइडिया आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए, अब इसे हमने यू इसे भी सेंटर में प्लेस कर दिया है। तो ये हो गया हमारा मेन पोर्शन तैयार। तो अब हम स्टिक करेंगे कॉइन्स। तो इस साइड हम कॉइन्स लगाएंगे और यहाँ नोट्स लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा टॉपिक आएगा, दैट इज़ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज़ इंडियन करेंसी और मनी। तो अब कॉइन्स को स्टिक करने के लिए हम ग्लू गन की मदद से स्टिक करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टिक करेंगे 50 paise का कॉइन, क्योंकि अभी की जनरेशन में एस यू ऑल नो कि करेंसी 1 rupee से स्टार्ट हो रही है, 50 paise भी हार्डली यूज़ आते हैं, बट जस्ट बिकॉज वी हैव दिस कॉइन तो मैं उसे भी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टिक करेंगे 50 paise का। और अब यहाँ हम लगाएंगे नोट्स एक्चुअली। तो कॉइन्स का हमारा हो गया, अब हम नोट्स लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 5 rupees, देन 10, 20। उसके बाद 50, $200, $500, and $2000। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा।
एंड तो ये एक ग्लू केस से हम स्टार्ट करेंगे, हम नोट्स को चिपकाएंगे। ये हमने डमी नोट्स यूज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मैथ्स प्रोजेक्ट बन कर के रेडी है, जो कि है इंडियन करेंसी या मनी पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ फिर लौटेंगे हम हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय, keep learning and keep sharing.